गाइस, इस वक्त हम खारघर में पहुँचे हैं और मैं एक बटर स्कॉच पी के यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ श्री कृष्णा टेम्पल पारसिक हिल में। ये जो है खारघर का एरिया है। मैं बाइक से आया हूँ और मैंने खारघर से ही गाड़ी घुमा दी है। वैसे जो है आप बेलापुर सीबीडी बेलापुर स्टेशन से भी आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से जो है एक 50 रुपये के अंदर ही आपको मीटर वाली रिक्शा छोड़ देगी पारसिक हिल श्री कृष्णा टेम्पल, जो आता है सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में। और वैसे जो है मैं बाइक से आया हूँ और यहाँ से सीढ़ियाँ भी है, स्टेयर्स भी आपको दिख रही है। हम स्टेयर्स चढ़ के भी जा सकते हैं, लेकिन रास्ता भी है ऊपर जाने का। ये स्टेशन के आसपास का ही एरिया है और यहाँ से जो है सायन पनवेल हाईवे भी कनेक्टेड है। मैं वैसे सायन पनवेल हाईवे से आया हूँ और मैंने यहाँ से जो है ऊपर की तरफ चढ़ना चालू कर दिया है। यहाँ से हमें टेम्पल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है एक हिल है, पारसिक हिल है, एक हिली एरिया है, छोटा हिल है। लेकिन जो है मुझे आज ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं माथेरान गया था जुम्मा पट्टी तक, वैसे ही एक फीलिंग आ रही है। क्योंकि ऐसे गोल गोल जो है पहाड़ की तरह जो है रास्ता है बना हुआ है ऊपर चढ़ने का, और हम टेम्पल पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर टेम्पल का हम टाइमिंग भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा है सवेरे 1 बजे तक लिखा है और शाम को 5 से 8 बजे तक लिखा है। फिर मैं आपको टाइम टेबल वापस एक बार जाते हुए देख लेंगे हम। और यहाँ पे अंदर जो है मुझे लग रहा है कि कुछ आरती चालू है, यहाँ तो आरती होने वाली है। और अंदर जो है थोड़ा क्राउड है, बाकी बाहर जो है मंदिर खाली है फ़िलहाल। यहाँ से जो है बाहर का व्यू है और ये थोड़ा सा बाहर साइड में से जो है इस तरह से है, ग्रीनरी एरिया है और काफ़ी अच्छा है टेम्पल। और अभी हम यहाँ से टेम्पल के अंदर भी मैं आपको मेन टेम्पल में लेके जाऊँगा, जहाँ पे हम श्री कृष्ण भगवान का हम दर्शन भी करेंगे और यहाँ पे बैठने की भी जगह है। यहाँ पे पहुँचने में लगभग एक 15 मिनट्स तक लगा है, 15 मिनट में हम ऊपर तक पहुँच गए हैं। श्री राधे गिरधारी मंदिर ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह भी है, बुक्स का स्टॉल है, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे, सब अंदर ही लग रहे हैं। तो हम भी अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पे आना ही था। अभी दोपहर के 1:30 बजे है, मुझे डाउट था कि हमें दर्शन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बाहर जो टाइमिंग है वो 12:30 तक कुछ लिखा हुआ है। एकदम बाहर गेट पर जाते वक्त मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन फिर भी दर्शन मिल गया है। कलयुग पाप Oh।
गाइस आरती अब तक चालू ही है लेकिन मुझे निकलना है क्योंकि मैं थोड़ा दूर से आया हूँ। और जो है हमारा दर्शन हो गया, आरती हमें मिली और काफ़ी आज का जो है अच्छा एक घूमना भी हो गया, दर्शन भी हो गया और एक हमने एक नई प्लेस एक्सप्लोर भी कर दी है। तो यहाँ पे जो आना जो है काफ़ी इजी है क्योंकि जो हमारी बाइक है या फोर व्हीलर हो थ्री व्हीलर हो सब ऊपर तक आ रही है। तो बाय वॉक आएंगे अगर सीढ़ियों से तो उसके बाद भी और वॉक करना पड़ेगा। वैसे हम जो है नीचे से हम 10 to 15 minutes में पहुँचे हैं और ये CBD बेलापुर स्टेशन से ज़्यादा लंबा नहीं है तो यहाँ से स्टेशन भी नज़दीक है। यहाँ पे टाइम लिखा है 9:30 to 12:30 और 5 to 8 ऐसा टाइमिंग लिखा है बाहर। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में।